बैकग्राउंड क्या है आपका? बैकग्राउंड मेरे दादाजी किसान, पिताजी शिक्षक। पिताजी शिक्षक, दादाजी किसान। ना जगह जमीन, जगह ने भाड़े के मकान में रहते, भाड़े के मकान में रहते हैं। अपना जमीन। एक चीज बताइए, अभी का समय आपको पता है? बिल्कुल पता है। अभी के समय में जिनके पास रुपए होता है वो बाजी मार जाते हैं। क्या लग बिल्कुल रहा है उस समय में डायरेक्ट डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना? यही धारणा में तोड़े थे जिला परिषद में, अच्छा, जब बिना 46,000 रुपया का 2,200 वोट लाने वाले, चलिए बिना कोई पार्टी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, सहरसा का एक लड़का जाकर के और पटना विश्वविद्यालय में डंका, 46,000 मात्र जो पेम्पलेट और बैनर में खर्च होता है वही किए, कहीं पे पैसा नहीं बांटे, जनता से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगे और जनता ने वोट दिया। कितना वोट दिया? 2,200 वोट दिया। 2,200 आदमी के लिए क्या किया? 2,200 लोग के लिए एनी टाइम खड़ा रहा। भांजी आती है यहाँ पे रहने के लिए और वज्रपात में उसका निधन हो जाता है, वज्रपात जो बिजली का जो है, और उनके कारण से, ठनका गिरने कारण से उनको मुआवजा सीओ से नहीं मिल रहा था, लड़ के मुआवजा दिलवाए। अच्छा, जाकर के तुलसियाही आप जाकर के पता कर लीजिए। नमस्कार, मैं उनकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। लगातार मैं सहरसा नगर निगम का कवरेज करके आपको दिखा रहा हूं, लगातार प्रत्याशी के पास जाकर उनकी वो किस मुमकिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं वो भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में एक प्रत्याशी है जो डिप्टी मेयर मतलब उप महापौर से खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये 27 साल के हैं और डिप्टी मेयर से खड़े हो रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं जो युवा हैं और युवा सोच रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर एसएम न्यूज लाइव में आपका। और हम आपको धन्यवाद करते हैं और एसएम न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सबको उप महापौर प्रत्याशी अभिषेक कुमार की तरफ से सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। एक चीज बताइए सर, अभी सहरसा नगर निगम आपने देखा नया नया नगर निगम बना है, सहरसा नगर निगम क्यों बना जी? देखिए, सहरसा नगर निगम बनने का यह अभिप्राय था कि बगल के कुछ गांवों का, और जो नगर परिषद होता है नियमता यह है कि नगर परिषद अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो और उसमें ज्यादा डेवलपमेंट का जरूरत हो जहां, उसको हम नगर निगम की दर्जा, नगर परिषद को जहां जरूरत होती वहां नगर निगम बना दिया जाता है। ये बिहार सरकार नहीं, पूरे भारत का ये फॉर्मेट है और उसी के अंतर्गत कुछ गांवों को काटकर इसका बृहत किया गया और इसको नगर निगम की। एक चीज बताइए, 27 साल हो रहा है आपका, आप चाहते अच्छा पढ़ाई करते, आपने अभी ऑफ कैमरा आपने बताया कि आप मास्कॉम भी कर रहे हैं या कर चुके हैं? कर चुके हैं मास्कॉम। सब कुछ करने के बाद अच्छा खासा नौकरी लीजिए, पढ़ाई कीजिए, कहाँ राजनीति में फंस रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यही चीज मेरे जीवन में, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था पटना कॉलेज में, मेरा सेशन था 2014 से 2017, और उसी दरमियान 17 के बाद, मतलब तभी से छात्र संघ में छात्रों के प्रति, चाहे वो विभाग में कहीं पे दिक्कत होता था तो मैं रुक नहीं पाता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैं पिताजी को फोन किया कि नहीं, हमसे हम पढ़ाई के साथ साथ चाह रहे हैं कि हम राजनीति भी करें, लोगों का सेवा करें, छात्रों छात्राओं का आवाज बने। तो पिताजी बोले कि आपका जो मन है वो करिए। कभी भी पिताजी मेरे कैरियर को लेकर के बाधा नहीं बनने का कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं आपको जो करना है वो कीजिए, और इसके लिए हम धन्यवाद भी आप देते हैं हमें, हमारे पिताजी को, और आशीर्वाद भी मांगते हैं उनसे हमेशा। और 2018 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ दिया, उपाध्यक्ष पद से लड़ा था और सेकेंड आया, निर्दलीय बिना कोई पार्टी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, सहरसा का एक लड़का जाकर के और पटना विश्वविद्यालय में डंका बजा दिया। उसके बाद एबीवीपी की वहां पे जीती थी, अंजना सिंह थी, उसके बाद मेरा ही पोजीशन रहा था। उसके बाद लगातार छात्रों का, चाहे वो हर एक डिपार्टमेंट में जाना हो, छात्रों से मिलना हो, किसी का कोई भी काम हो वीसी के पास जाना हो, लगातार। और मैंने 23 दिन बेउर जेल में भी रहा हूँ, आंदोलन किस बात को लेकर? आंदोलन करने के, छात्रों का मुद्दा था कि विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी हो, उसके लेकर के मैं 2015 में 23 दिन बेउर में 12/7 था, गोदावरी खंड, उसी में मैं बिताया। चीज बताइए, बैकग्राउंड क्या है आपका? बैकग्राउंड मेरे दादाजी किसान, पिताजी शिक्षक। पिताजी शिक्षक, दादाजी किसान। ना जगह जमीन,
भाड़े के मकान में रहते हैं। अपना जमीन, एक चीज बताइए, अभी का समय आपको पता है? बिल्कुल पता है। अभी के समय में जिनके पास रुपए होता है वो बाजी मार जाते हैं, क्या लग रहा है उस समय में डायरेक्ट डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना? यही धारणा में तोड़े थे जिला परिषद में। अच्छा। जब बिना 46,000 रुपया का 2200 वोट लाने वाला ये आदमी आपको 46,000 मात्र जो पेम्पलेट और बैनर में खर्च होता है वही किए, कहीं पे पैसा नहीं बांटे, जनता से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगे और जनता ने वोट दिया। कितना वोट दिया? 2200 वोट दिया। 2200 आदमी के लिए क्या किया? 2200 के लिए एनी टाइम खड़ा रहते हैं। जब उनको पांच को काम बताइए, पांच को काम जब भी उनको हम बताए थे कि जब भी आपको जरूरत हो, चाहे वो थाना हो, अस्पताल हो, रात हो, दिन हो, हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो कहने की बात है? नहीं, बिल्कुल करते हैं। आप चले जाइए हमारे क्षेत्र, आप चले जाइए, और उसी के आधार पे अभी मैं टिका हुआ हूँ। लोगों का नींद उड़ा हुआ है कि अभिषेक आया है, इसका मतलब है कि ये काम करने वाला लोग देख चुका है मेरा काम। आप वहां से सबसे लास्ट मेरा अमरपुर क्षेत्र है, अमरपुर चले जाइए। अब तो अभी चूंकि नगर निगम का हिस्सा हो गया, मेरा आधा गांव कट गया है। अभी आप अमरपुर चले जाइए और अमरपुर से लास्ट तुलसिया ही चले जाइए। हम गारंटी के साथ, हम दावा के साथ बोल सकते हैं, एक एक लोग से जाके आप कहीं पे मिलिए, बोलिए अभिषेक कुमार क्या कर सकता है आपके लिए, तो जाकर के ब्लॉक में वीडियो से बात कर लीजिए, चाहे वो सीओ से बात कर लीजिए। आपदा में कहीं पे एक एक, अब बहुत सारा काम हम गिना नहीं सकते, लेकिन एक गिनाते हैं। एक का जो है सो भांजी आती है यहाँ पे रहने के लिए और वज्रपात में उसका निधन हो जाता है, वज्रपात जो बिजली का जो है, और उनके कारण से, ठनका गिरने के कारण से उनको मुआवजा सीओ से नहीं मिल रहा था, लड़ के मुआवजा दिलवाए। अच्छा। जाकर के तुलसिया ही आप जाकर के पता कर लीजिए, उसमें आपका हाथ था पूरा। मेरा हाथ, ये तो भगवान बोलिए कि वहां पे हम संघर्ष किए, वहां पे जाकर के बोले कि अगर आप काहे नहीं दे रहे, दिक्कत क्या है। ऑब्जर्वेशन में कर्मचारी को भेजा, ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद फिर वहां पे उसको मुआवजा का फिर जो प्रक्रिया था वो, तो लड़ाई लड़ना मुझे पता है कैसे लड़ाई लड़ना। एक चीज हमें बताइए, सहरसा के बारे में क्या जानते हैं अभिषेक कुमार? सहरसा के बारे में जो कोई नहीं जानता वो मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी सहरसा के बारे में बनाया हूँ। सहरसा जो ये नाम पड़ा वो शायद किन्हीं को नहीं पता होगा। सहरसा जब राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे आते हैं, देश के पहले राष्ट्रपति, और उन्होंने देखा कि ये सहारा मरुस्थल लेक है, डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट, वहां पे देखे थे कि बालू का पूरा चरण, और ये कोसी का इलाका था, बालू ही बालू दिखा, इसी कारण से सहारा सा, यानी कि सहारा सा जो दिखा, इसीलिए उसका नाम सहरसा पड़ा। एक चीज हमें बताइए, सहरसा है, सहरसा का आपको डिप्टी मेयर बना दिए, बिल्कुल 5 साल में क्या क्या बदल सकते हैं आप? देखिए, डिप्टी मेयर का काम क्या है पहले वो, हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत कुछ कर देंगे। जो चीज काम है, काम ये है कि मेयर से काम करवाना। अगर मेरे जैसे सशक्त लड़का अगर उप मेयर बन के आता है तो लोगों के लिए मेयर पे हमेशा ये दबाव रहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिस पे हम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, 100% काम करने का, मतलब काम करवाने का पूरा कोशिश। ईओ से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनसे काम करवाने का हमको पावर पता है, कैसे काम होता है वो हमको पता है, बखूबी पता है, और वही करवाएंगे। तो अगर बनाती है जनता आपको तो आप बखूबी यहाँ पे काम करवाएंगे। एक चीज बताइए, नगर निगम बन गया है, नगर निगम को सजाने में कितना टाइम लग सकता है? एक अगर अच्छा मेयर आ जाता है तो, एक टर्म अगर मेयर आ, बिल्कुल एक टर्म अगर आ जाता है तो लगभग 60-70% काम ओके हो जाएगा। अभी तक कितना परसेंट काम हो चुका है आपको? अभी जो बोलिएगा कि 10-12% काम अभी जो है सो हुआ है, बहुत परसेंट काम अभी करना बाकी है। जो अभिषेक जी को क्या क्या कमी लगती है सहरसा? अभिषेक जी को ये कमी लगती है कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद एक घुटना भर जो है सो पानी लग जाता है हर एक मोहल्ला में, उसके लिए भी हम अपना प्लान रखे हैं। और बता, क्या प्लान है? प्लान ये है कि हमारे यहाँ के जो पर्यावरणविद है, जो जल पे काम किए हैं, चाहे वो डॉक्टर अरविंद झा हो, दिनेश मिश्र हो, पंकज कुमार हो, उनका रोड मैप वहां पे लागू करवाएंगे कि जल निकासी के लिए जहां पे जो, जैसे देखिए शहर है क्या ना, शहर का स्थिति क्या है पहले, किधर ऊंचा है, किधर नीचा है, किधर जल, मान लीजिए कि यहाँ पे बगल में एक नहर है, छोटी सी नहर है, इससे अगर कनेक्ट करवा दिया जाए तो पानी अगर एक जगह जाने का तो सोर्स नहीं, अभी तो नाला बन चुका है, लेकिन नाला के नाला में पानी जमा रह रहा है, तो ये तो व्यवस्था नहीं करेंगे। नाला का पानी समुचित जगह, जहां पे जगह पे जो लिंक हो, उस लिंक तक पहुंच जाए तो हमारी समस्या समाधान।
ये उनका जो रोड मैप है उस पे काम करेंगे। ये तो पानी वाला मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दा दिखता है? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपना जो मैनिफेस्टो रखेंगे, अगर आप हमारा पंपलेट देखेंगे तो उस पंपलेट में हम ये करवाए हैं कि हम जो चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पर्यावरण के बारे में शायद कोई नहीं सोचता होगा, हम सोचें कि हर एक वार्ड में 100 पेड़ हम अपने तरफ से लगवाएंगे, जहां पे सरकारी जगह हो, जहां पे उसका देख रेख हो, चूंकि हरियाली अगर रहेगी, आज के दिन में आप देखेंगे कि लोग बीमार पड़ते हैं बिना ऑक्सीजन का, सारा रीजन खेल है ऑक्सीजन के बिना बीमार पड़ रहे हैं। अगर सही सही पेड़ लग जाए, पेड़ के बीच हम लोग रहेंगे तो एक चीज हमें बताइए, सभी जहां भी मैं जाता हूं सभी लोग यही कहते हैं मैंने पेड़ लगाया या फिर और मैं पेड़ लगाऊंगा, लेकिन आप युवा हैं, आपको ये नहीं लगता कि अगर पेड़ हम लगाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं पेड़ लगाते समय, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हाँ मैंने एक पेड़ भी लगाया था, वो पेड़ खत्म हो जाता है और हरियाली वाला जो मेरा सपना और भाषण जो होता है वो धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल, इसके लिए देखिए वन एवं पर्यावरण विभाग से जो DFO साहब है वो उनका एक जाली देता है, आप देखे होंगे उसको, सेफ्टी के लिए बकरी ना खाए, क्योंकि काम कराने का तरीका अगर मालूम है तो काम होगा, बिल्कुल काम होगा, उसको जाली लगवा देंगे और वो काम हम लोग का है। ये काम इसमें कुछ नहीं, एक आवेदन देना रहता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को और उससे वो सारा कुछ मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मदद करते हैं पेड़ देने में, वो निशुल्क पेड़ देते हैं, हम तो बता देंगे कि हम लगाएंगे लेकिन वो निशुल्क पेड़ देते हैं इन चीजों के लिए। अभिषेक जी एक चीज और बताइए, और क्या लगता है आपको सहरसा में और क्या होना चाहिए? देखिए हर एक जगह यहाँ पे जो दिक्कत है, बिल्कुल पानी, यहाँ पे जो दिक्कत है सड़कों का, देखिए पतला पतला गली, छोटा गली, सकरी गला जगह, चूंकि नगर निगम का जो हिस्सा होता है वहां पे हर एक वार्डो का जो चयन होता है एक निर्धारित जगह होना चाहिए, 6 फीट 7 फीट 8 फीट, 8 फीट कम से कम रोड। आप पटना चले जाइए, पटना में देखिए कहीं पे संकीर्ण गली, बहुत छोटा गली नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एक आदमी का, दो आदमी का, किसी के पास रास्ता नहीं है, तो ये चीज के लिए हम काम करेंगे नगर निगम से ये कह करके, जहां पे जमीन, देखिए चूंकि जनता का जमीन है, जो जमीन यहाँ पे मान लीजिए कि नगर का, जैसे कि कोई भी नगर का है, कोई वार्ड का जो पुनर्स्थापना या स्थापना होता है उससे पहले रोड का, सड़क का ये जो काम है ये नगर निगम करेगी, ये नगर निगम का काम ही है कि नगर निगम ये करवाना, और ये करवाना हम लोग का काम है कि कहीं पे भी बड़ा सा प्लॉट है पहले उसमें रोड इधर से आप 10 फीट निकाल करके वो मुआवजा आप जमींदार को दे दीजिए, उसके बाद वहां पे सर वार्ड वार्ड बसाइए, तो इसमें कहीं पे भी गली छोटी नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। यहाँ पे देखिएगा कि बहुत लोगों के पास ऐसे ऐसे लोग से मिलते हैं जहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लोग छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये चीज अगर पहले कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छा शहर बसेगा मेरा। क्या बात है, अभी बात हो रही है मेरी अभिषेक कुमार जी से। अभिषेक जी का कहना है हम युवा हैं, हम सब कुछ समझते हैं और डिप्टी मेयर का जो रोल होता है वो मैं बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे काम लेना है और मेयर जो भी बनेंगे उनसे कैसे काम लेना है वो मुझे बखूबी पता है, क्योंकि मैं शुरू से संघर्ष करता आया हूं। जब इनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा एक चीज बताइए कि आपके पास क्या प्लान है जी, आप क्या जानते हैं सहरसा के बारे में, तो इनका कहना था कि सहरसा को मैं बखूबी जानता हूं, और सहरसा के बारे में, सहरसा में क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए वो मुझे बखूबी पता है, अगर मैं जीत के आऊंगा तो उन सभी मुद्दों पर काम करूंगा। बाकी लास्ट में आप दर्शक से क्या कहना चाहेंगे, दो शब्दों में बताएं। दर्शक से यही कहना चाहेंगे कि जो आपको सबसे योग्य हो, जो सबसे योग्य प्रत्याशी लगे उसको जाकर वोट कीजिए, और वोट जरूर कीजिए, चाहे आप हमें करें ना करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये लगना चाहिए कि सहरसा का नागरिक सजग है, मजबूत है, जाकर के वोटिंग परसेंट बढ़ाइए, वोट मुझे दीजिए या ना दीजिए इससे कोई फर्क नहीं, आपके सेवा के लिए हाजिर रहेंगे, और हम अपना नंबर तो इस पे नहीं बता सकते हैं, आप जब भी मिलेंगे मेरा नंबर रहेगा आपके लिए, ये आपका अभिषेक कुमार हमेशा हाजिर रहेगा। क्या बात है, अभी जो मैं बात हमेशा आपको बोलता हूं वो अभिषेक जी ने बोल दिया कि मैं, जरूरी नहीं है कि मैं जिनके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं आप इन्हें वोट दें, आप किन्हीं भी जिनको भी वोट दें वैसे पर्सन को वोट दें जो आपके सुख दुख में हमेशा काम आता है, जो आपके लिए हमेशा खड़ा उतरे। बाकी मैं हूं इनके साथ, देख रहे थे असम न्यूज़ लाइव, धन्यवाद।